हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं गिलकी की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी, यानी स्पंज गॉर्ड जो फार्मिंग होती है गिलकी की खेती, हमारे किसान भाई कब और कैसे करना चाहिए, कई प्रकार की समस्याएँ आती हैं इस पर, शेड्यूल खाद का शेड्यूल, और साथ ही बात करेंगे कब कौन से न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना है, और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से सरल और आसान शब्दों में समझेंगे कि कौन सी बीमारी आती हैं, उनका प्रबंधन हम सस्ती कीटनाशक दवाइयों के रूप में कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना है, और साथ ही बात करें कितनी लागत लगती है, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट, लाइफ साइकिल, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो पर, क्योंकि कम जगह पर कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप गिलकी की क्रॉप से कैसे निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। तो जो गिलकी की खेती है, इसके लिए सूटेबल जो टाइम है, गर्मियों के लिए आप जनवरी से लेकर फरवरी के माह पर जो अनुकूल समय माना जाता है, काफ़ी बढ़िया माना जाता है। इसके अलावा बरसात के लिए आप जुलाई है, अगस्त है, अगस्त एंड तक में आप गिलकी को लगा सकते हैं, गिलकी की खेती कर सकते हैं। बरसात के लिए जो अगस्त का महीना है, ये काफ़ी सूटेबल और काफ़ी अनुकूल माना जाता है। इन महीने पर यदि आप गिलकी की खेती करते हैं तो यकीनन बाजार भाव सबसे ज़्यादा आपको प्राप्त होने वाला है। उपयुक्त भूमि, गिलकी की खेती काली मिट्टी, काली दोमट, पीली मिट्टी, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए, और प्रायः सभी प्रकार की भूमि पर आप गिलकी की खेती कर सकते हैं। उत्तम जल निकास के साथ साथ उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली जो भूमि होती है, सॉइल होती है, आप खेती कर सकते हैं। मृदा की जो पीएच वैल्यू है 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है, लेकिन अधिक एल्कलाइन है, हाई एसिडिक है, तो आप जब खेत की तैयारी कर रहे हों तो जैसे 8 से पीएच ऊपर है, 8 से अधिक है, हाई एल्कलाइन है, अधिक क्षारीय भूमि पर जिप्सम 50 किलोग्राम खेत की तैयारी करते समय आप प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी सस्ता होता है, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होता है। इसी प्रकार आपको उपयुक्त भूमि का ही चुनाव यानी सिलेक्शन करना चाहिए। उपयुक्त तापक्रम यानी सूटेबल जो टेम्परेचर होता है, न्यूनतम टेम्परेचर गिलकी की क्रॉप के लिए 15 से 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस काफ़ी अनुकूल और काफ़ी परफेक्ट माना जाता है खेत की तैयारी यानी फार्म प्रिपरेशन। तो खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाले जैसे कल्टीवेटर है, दकफिट है, तोता हल से आपको पहली और दूसरी आपको प्लोविंग कराना है, और इस प्रकार आप जो वीडियो पर देख रहे हैं खेत की तैयारी जब आप करा लेते हैं तो अंतिम जुताई पाटा लगाकर खेत को समतल करा लीजिए, या फिर रोटावेटर यानी मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले जो यंत्र होता है, रोटावेटर या फिर हैरो से आपको ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है। खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई, बस यदि बरसात के दिनों पर यदि आप गिलकी की खेती कर रहे हैं तो मंडप विधि से करना है, मल्चिंग ड्रिप में आपको खेती करनी है, तो आप सामान्य तरीके से भी गिलकी की खेती कर सकते हैं। तो किस प्रकार बिना मल्चिंग ड्रिप के भी खेती करनी है, मंडप से किस प्रकार मचान तैयार करना है, तो इसकी जानकारी के लिए वीडियो पर बने रहिए। तो उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई किसान जो गिलकी की खेती करते हैं खेतों पर बहुत ही बड़ी और विकराल समस्या आ जाती है, यानी ठीक तरीके से उत्तम जल निकास का प्रबंध नहीं होता है, जल भराव हो जाता है और फसल भी बर्बाद हो जाती है। तो उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही ज़रूरी है। उन्नतशील किस्में, गिलकी की जो उन्नतशील वैरायटी हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी सर्वाधिक उत्पादन देती हैं। तो VNR की आलोक आती है, इसके अलावा सन गिरो की नूतन के नाम से आती है, नामधारी की NS 441 के नाम से आती है, और महिको की हरिता वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो वैरायटी वेस्ट वैरायटी आपके एरिया राज्य क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से वेस्ट वैरायटी हो, उन वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लीफ कर्ल वायरस आता है, इसमें भी वायरस आता, कोकड़ा रोग आता है, तो जो रजिस्टेंस वायरस के खिलाफ रजिस्टेंस वैरायटी का ही आपको सिलेक्शन और चुनाव करना चाहिए। प्रति एकड़ सीड्स रिक्वायरमेंट, यदि हम एक एकड़ पर गिलकी की यानी स्पंज गॉर्ड की खेती करते हैं तो ये मान लीजिए यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, दो दो तीन तीन बीजों की बुआई कर रहे हैं, तो आपको जो सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी ये मान लीजिए 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आप मल्चिंग ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो लगभग 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक गिलकी का सीड्स
लग सकता है। तो इस प्रकार यदि आप डिस्टेंस को कम और ज़्यादा भी करते हैं तो सीट्स की क्वांटिटी बढ़ और घट भी सकती है। तो हम बात करेंगे आगे कि कितना डिस्टेंस में रखकर आपको बीजों की बुआई करना है। सीड्स ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हाइब्रिड वैरायटी हैं तो उतना आवश्यकता नहीं रहती बीज उपचार करने की, लेकिन यदि जैसे देसी वैरायटी घर का सीड्स है तो कार्बेंडाजम 1 किलोग्राम बीजों को कार्बेंडाजम 12% प्लस मैंगो जब 63% WP वेटेबल पाउडर फॉर्म में जो फपूंद नाशक आती है, आपको 5 ग्राम फपूंद नाशक से बीजों को उपचार करके 40 मिनट तक छाव में सुखाना है और आपको बुआई कर देना है। तो इस प्रकार यदि आप बीजों को उपचारित करते हैं तो जर्मिनेशन अंकुरण काफ़ी अच्छा होता है। वेसल डोज यानी बुआई के समय खाद, जब हम बुआई कर रहे हों गिलकी की तो उस समय खेत की तैयारी करते समय वेसल डोज के रूप में कौन कौन से न्यूट्रिएंट खादों की पूर्ति करना है, आइए समझते हैं। तो 2 से 3 ट्रॉली गोबर की एकदम पकी हुई गोबर की खाद लेना है। इसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक खाद हमको लेना है तकरीबन 100 किलोग्राम, और DAP डायमोनियम फॉस्फेट DAP खाद को हमको लेना है 50 किलोग्राम। इसके अलावा MOP म्यूरेट ओ पोटास 20 किलोग्राम। इन तीन चारों को मिक्स करना है। यदि दीमक भी लग रही है तो रिजेंट है, कारोफ्यूरॉन है तो इनको, या फिर क्लोरपाइरीफॉस को भी आप मिक्स कर सकते हैं। इनको सभी को मिक्स करके वेट के ऊपर दे करके आपको वेट तैयार करना है। मंडप तैयार यानी मचान विधि से गिलकी की खेती, यदि आप कम लागत पर ज़्यादा उत्पादन ज़्यादा मुनाफा निकालना चाहते हैं तो मचान विधि से मंडप तैयार करके यदि आप गिलकी की खेती करते हैं जो कि आप इस वीडियो पर देख रहे हैं, ये है मचान विधि मंडप तैयार। तो मंडप किस प्रकार तैयार करना है, किस प्रकार मचान विधि से गिलकी की खेती करना है, आइए सरल और आसान शब्दों में समझते हैं। बात करते हैं आवश्यक सामग्री। तो ये मान लीजिए 8 फीट जो लंबाई रहत मजबूत बांस के टुकड़े 1800 से लेकर 2000 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके अलावा धागा की आवश्यकता पड़ेगी। अब धागा किस लिए, पतला सा बुनाई के लिए, एकदम बुनाई शाखाएं ऊपर मतलब चली जाएं चढ़ाने के लिए, शाखाओं को लपेटने के लिए और शाखाओं को चढ़ाने के लिए धागा लगभग 2000 रुपये के आसपास का धागा लग जाएगा। इसके अलावा प्लास्टिक की रस्सी की हमको लगभग 25 किलो प्लास्टिक की रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी जो बाज़ार में ईजिली आसान तरीके से मिल जाती है, और ये मान लीजिए लगभग 120, 130, 140, 150 रुपये के आसपास प्रति किलो प्लास्टिक की रस्सी जो आपकी इस वीडियो पर देख रहे हैं, ये रस्सी आसानी से मिल जाती है। और पैड वायर यानी जो वजन हमारा पूरा जो मंडप होता है वजन सह सके, वजन को झेल सके, तो इसके लिए पैड वायर जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं 130 रुपये KG के आसपास का मतलब लग जाता है। तो आवश्यकता अनुसार आपको जो पैड वायर है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। कई किसान भाई तार को भी लगाते हैं लेकिन तार की उतनी अच्छी सर्विस नहीं रहती है, तार ज़्यादा चलता नहीं, जंग लग जाता है, ख़राब हो जाता है, लेकिन यह जो पैड वायर है काफ़ी अच्छी सर्विस है और काफ़ी लंबा चलता है। तो इस प्रकार बांस के टुकड़े है, तार है, पैड वायर है, प्लास्टिक की रस्सी, धागे की आवश्यकता अनुसार हमको प्रयोग करना है। तो किस प्रकार मंडप तैयार करना, ये मान लीजिए कि जब हमारी गिलकी की फसल रोपाई से बुआई से लगभग 12 से 15 दिन के आसपास की होती है तो मंडप हमको तैयार करना चाहिए। मंडप किस प्रकार तैयार करना है, तो देखिए आपको सबसे पहले बांसों को गड़ाना है। बांसों को आपको स्क्वायर आयताकार में जो होता है ना, आयताकार में आपको बांसों को गड़ाना है, यानी 3 बांस का मंडप आप तैयार करना है जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। बांस से बांस की जो आपको दूरी रखनी है 15 फीट दूरी रखनी है ना, और एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की जो दूरी है आपको 7 फीट रखनी है, और बांस के मंडप की ऊंचाई भी आपको 6 से 7 फीट ही रखनी है। 7 फीट आप बांस के मंडप की आप ऊंचाई रख सकते हैं। तो इस प्रकार 15-15 फीट की दूरी पर आपको बांसों को गड़ाना है, और आपको जो डिस्टेंस रखना है यानी पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट और पंक्ति से पंक्ति की जो आपको डिस्टेंस जो आपको दूरी रखनी है वो 7 फीट रखनी है, और आपको एक मंडप से दूसरे मंडप की दूरी 3 फीट रखनी है। 2-2 बीजों की आपको बुआई करनी है यदि आप मंडप विधि से खेती कर रहे हैं, तो इस प्रकार आपको तैयार कराना है। उसके बाद क्या करना है, ठीक तरीके से आपने बांस को गड़ा दिया है, उसके बाद आपको 1-2 बांसों को गड़ाइए और एक आड़े पर बांस को ऊपर बांध दीजिए। इसके अलावा आपको रस्सी खींचनी पड़ेगी, तो 8 साइड से आपको 4-4 रस्सी खींचना है और उस पर धागे की बुनाई कर देना है। 4 रस्सी खींचिए और धागा जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं इस प्रकार धागे से बुनाई कर देना है।
दोनों साइड आपको बुनाई कर देना है और ऊपर भी आपको 3 से 4 रस्सी खींचना है और ठीक तरीके से पैड वायर खींचना है 4, यानी 4 लेयर जो खींचनी, 4 रस्सी आपको ऊपर टॉप पर, 4 रस्सी पैड वायर और 4 प्लास्टिक की रस्सी, 8 आपको ऊपर खींच देना है जिससे जो छत होता है वो तैयार हो जाए। तो इस प्रकार मंडप आप तैयार कर लीजिए। जो आप धागे की इस प्रकार बुनाई करना है जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, यह जो धागा है शाखाओं को ऊपर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल यूज किया जाता है। तो जो धागा, आप किसान भाई पूछेंगे वजन आने पर धागा टूटेगा तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं टूटता है, धागे का उतना ज़्यादा काम नहीं रहता, बस शाखाओं को ऊपर चढ़ाने के लिए ही धागे का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार वजन को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलर होता है, आइट साइड में आप आड़े में बांस भी लगा सकते हैं या फिर कंट्रोलर वेट जो स्टे होता है उसको भी आप गड़ा सकते हैं। बांस को लगभग 1.5 से 2 फीट गहराई बांस को अंदर गड़ाना है, बांस मजबूत होने चाहिए। 1800 से 2000 बांस के जो टुकड़े हैं वो लग जाते हैं, मजबूत बांस के टुकड़े होने चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आंधी तूफान हवाओं चलने पर जो मंडप होता है वो गिरता नहीं है। तो इस प्रकार आप मंडप तैयार कर लीजिए। वेट तैयार, यदि आप मल्चिंग ड्रिप से गिलकी की खेती करते हैं तो वेट तैयार किस प्रकार करना है? तो जो वेट मेकर है, वेट राइजर से, इसको आपको वेट तैयार कराना है। वेट की चौड़ाई आपको रखनी है 2.5 फीट, वेट से वेट की आपको दूरी रखनी है 7 फीट और वेट की जो ऊंचाई आपको रखनी है वो आपको रखनी है 1 फीट। इस प्रकार आप वेट तैयार करा सकते हैं। तो इस प्रकार एक वेट में आपको एक लाइन गिलकी का रोपण करना है, गिलकी की बुआई करनी है और 1 से 2 बीजों की आप बुआई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो वेट है उनको तैयार, वेट प्रिपरेशन कर सकते हैं। ड्रिप एरीगेशन, यदि आप टपक सिंचाई से गिलकी की खेती करते हैं तो 16 mm इन लाइन 1.5 फीट बटन वाली आप ड्रिप को लगा सकते हैं। 1 एकड़ पर आप लगा सकते हैं, 35-40 हज़ार रुपये के आसपास का खर्च आता है। अब बात करते हैं मल्चिंग पेपर, यदि आप 1 एकड़ पर गिलकी की खेती करते हैं और मल्चिंग लगाते हैं तो 10-12 हज़ार रुपये के आसपास का जो खर्च है वो आता है। 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर गिलकी की क्रॉप के लिए आप लगा सकते हैं। प्लांट डिस्टेंस, यदि आप गिलकी की खेती वेट विधि से करते हैं, मल्चिंग ड्रिप को लगाते हैं, तो पौधे से पौधे का अंतर कितना रखना है? पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट, पंक्ति से पंक्ति यानी वेट से वेट की दूरी 7 फीट और आपको जो गहराई रखनी है बीजों को, 2-2 बीजों की आपको बुआई करनी है और आपको जो बीजों की 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर आप बीजों की बुआई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंचाई यानी एरीगेशन सिस्टम। यदि आप नाली बनाकर सीधी मतलब खेती कर रहे हैं, ओपन फील्ड फार्मिंग कर रहे हैं, तो 5 से 7 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करना चाहिए, बहुआ पानी देना चाहिए ओपन फील्ड फार्मिंग में। तो आपको कुछ इस प्रकार आप सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा रेन पाइप से भी आप सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो जो आपको सिंचाई करनी है 3-3 दिनों के अंतराल पर, 2-2 घंटे भी यदि सिंचाई करेंगे तो काफ़ी अच्छा वाटर मैनेजमेंट को आप सुधार के रख पाएंगे। तो इस प्रकार आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करना चाहिए। खरपतवार की रोकथाम यानी वीट कंट्रोल, तो गिलकी की फसल पर खरपतवार नाशक स्प्रे करने की बजाय आप मजदूरों की सहायता से निराई गुड़ाई करें। पहली निराई गुड़ाई आप 40-45 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो आपको पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा 60-65-70 दिन के आसपास दूसरी निराई गुड़ाई आपको करनी चाहिए। खरपतवार मुक्त फसल होना बहुत ही ज़रूरी है, खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आवश्यकता अनुसार मजदूरों की सहायता से, हेल्प से आपको समय समय पर निराई गुड़ाई कराना बहुत ही ज़रूरी है, इससे उपज और उत्पादन में वृद्धि देखने के लिए मिलती है। गिलकी की फसल पर स्प्रे शेड्यूल, गिलकी की फसल पर कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, उन्हीं में से एक है वायरस, कुकड़ा रोग आता है, एलोमोजक वायरस आता, पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है, कुछ फल को खाने वाली इल्ली होती हैं, फल को नुकसान पहुंचाने वाली फल्ली छेदक होती हैं, इसके अलावा फल मक्खी है, सफ़ेद मक्खी, तो कौन कौन से कीट आते हैं और कीटों के नाम भी बताएंगे, उनका रोकथाम भी बताएंगे जिससे फसल हरी भरी रहे, फंगस भी ना आए, कीट भी ना आए और फसल बढ़वार भी ले और फसल की जो ग्रोइंग है वो भी शानदार तरीके से देखने के लिए मिले और स्पेशल फल फूल की संख्या में वृद्धि हो और जो फल एकदम सीधे आएँ
और चमक और क्वालिटी और बाजार भाव भी दो पैसा हमको ज़्यादा मिले। तो इसके लिए स्प्रे शेड्यूल बतलाने वाले हैं, सस्ती दवाइयाँ, बेहतरीन दवाइयाँ जो कि बढ़िया काम करने वाली, जो कीटनाशक है, फफूंद नाशक, उनका कॉम्बिनेशन समावेश है। आइए सरल और आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कीट प्रबंधन की, कौन कौन से कीट आते हैं, उन्हें हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो गिलकी की फसल पर प्रमुख रूप से यह कीट आते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। प्रमुख रूप से एफिड्स है, जैसिड है, सफ़ेद मक्खी है, लाल कद्दू बीटल आता है, लाल कीट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। एलोमोजिक वायरस आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। फल मक्खी है जो कि फल में डंक मारकर फल को सड़न पैदा करती है, तो उसकी रोकथाम भी हम कैसे कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यूड है, डाउनी मिल्ड्यूड है, और प्रमुख रूप से कोकड़ा रोग आता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान में हमारी फसल चली जाती है। और कई किसान भाई तो गिलकी की खेती इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि वायरस आता है। तो वायरस के कैसे प्रिवेंटिव रूप में आपको कौन से स्प्रे लेने हैं, और साथ ही पाउडरी मिल्ड्यूड है, डाउनी मिल्ड्यूड है, बैक्टीरिया बेल्ट है, स्कैब है, तंबाकू इल्ली है, हरी इल्ली है, और साथ ही डीबीएम का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। फल को खाने वाली हरी इल्ली, छोटी इल्ली का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। और जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, यह कीट आते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। फर्स्ट स्प्रे गिलकी की फसल पर जो पहला स्प्रे करना है, फर्स्ट जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, 25 से 30 दिन की आसपास की क्रॉप होती है बुआई से गिलकी की फसल, तो ये मान लीजिए सिंजेंटा कंपनी की एक तारा 10 ग्राम लेना है, और इसके साथ यूपीएल कंपनी की, जैसे यूपीएल की साफ आती है जिसमें कार्बेंडाज है, मैंकोजेब है, इसको आपको लेना है 35 ग्राम, 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। गिलकी की फसल पर सेकंड स्प्रे, गिलकी की फसल 50 से 55 दिन के आसपास की होती है, तो यूपीएल की लांसर गोल्ड हमको 35 ग्राम लेना है, और पोषक सुपर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है हमको लेना है 25 ml, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। गिलकी की फसल पर थर्ड स्प्रे, ये मान लीजिए 75 से 80 दिन के आसपास की बुआई से हमारी गिलकी की क्रॉप होती है, तो हमको दमन की YOR 303 30 ml लेना है, और वायर कंपनी की क्वानफिडोर इंसेक्टिसाइड हमको 10 ml लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके हमको अपनी क्रॉप पर स्प्रे कर देना है। फोर्थ स्प्रे, गिलकी की फसल 100 से 125 दिन के आसपास की मध्य की क्रॉप होती है, तो टाटा की ताकत फंगिसाइड हमको लेना है 40 ग्राम लेना है, और वायर कंपनी की सोलेमान इंसेक्टिसाइड 12 ml लेना है। इन दोनों को घोल करके 15 लीटर पानी में घोल करके मिक्स करके आपको स्प्रे कर देना है। स्टीकर मिलाकर यदि बरसात होने की आसार काफ़ी ज़्यादा हैं तो आप सिलिकॉन चिप को स्टीकर मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा हमने कहा था कि कोकड़ा रोग आता है, बारिश आता है, बढ़वार काफ़ी अच्छी हो, तो इसके लिए ध्यान से सुनिए। जैसे कोकड़ा रोग है, वायरस है, तो रस चूसा कीटों को स्पेशल वाइट फ्लाई है, एफिड जैसेड है, और माइट को यदि आप कंट्रोल करके प्रॉपर रस चूसा कीटों के, माइट्स के स्प्रे लेते हैं, तो आपको ये वायरस ही प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलता है। और जिन इलाकों पर वायरस काफ़ी ज़्यादा आता है, बे किसान भाई बरसात के लिए अगस्त महीने पर गिलकी को लगाएं। रेजिस्टेंस वैरायटी का ही आपको चुनाव करना है। हम बात कर रहे थे कि सस्ते पर बढ़िया सा काम हो जाए, वायरस भी ना आए, तो उसके लिए देखिए सफ़ेद मक्खी और माइट्स एफिड जैसे फैलाते हैं वायरस को, तो इसकी रोकथाम करने के लिए सस्ते पर बढ़िया सा कॉम्बिनेशन भी आपको स्प्रे नहीं करना है। आपको फल मक्खी की रोकथाम करने के लिए किसान भाइयों आप फ्रूट फ्लाई फेरोमोन ट्रैप को लगा लीजिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा सड़न पैदा करती है। सस्ते पर कम से कम एक एकड़ पर 20 फीसेस फ्रूट फ्लाई फेरोमोन ट्रैप को लगा लीजिए। वायरस को सफ़ेद मक्खी फैलाती है, तो सफ़ेद मक्खी की रोकथाम करने के लिए एक एकड़ पर कम से कम 10 फीस एलो ट्रैप को आप लगाइए। रस चूसा कीट थ्रेप्स है या फिर जैसेड है, इसकी रोकथाम करने के लिए नीला ट्रैप आप एक एकड़ पर 5 से 10 फीस लगा लीजिए। सस्ते पर कोई स्प्रे ही नहीं करने पड़ेंगे और कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो इस प्रकार आवश्यकता अनुसार प्रॉपर स्टार्टिंग के जो शुरुआती दिन होते हैं, इमिडाक्लोरपेड है, एसिटामिप्रेड है, थाइमोथोक्सोम है, नीम ऑयल है, फेस ऑयल है, तो इनके यदि आप स्प्रे लेते हैं तो यकीनन रस चूसक कीटों के प्रॉपर आपको स्प्रे लेने हैं, कोई वायरस आएगा ही नहीं। अब वायरस आ गया, कोई दवाई स्प्रे करोगे कंट्रोल ही नहीं होगा। तो इसलिए जैसे आपने प्लांटेशन की, रोपाई की 10-12 दिन से लेकर वीकली 7-8 दिनों के अंतराल पर हल्के टेक्निकल कीटनाशक दवाइयों के, सस्ते कीटनाशक दवाइयों के स्प्रे करते रहिए, जो कि रस चूसक कीटों की रोकथाम करने वाले हो। तो इनकी रोकथाम यदि आप कर पाते हैं तो यकीनन वायरस फैलेगा ही नहीं, चाहो कितना ही ज़्यादा वायरस यदि गिलकी की क्रॉप पर आ रहा है तो अभी आप कंट्रोल कर लेंगे। यदि आप इस प्रकार
गिलकी की फसल पर स्प्रे करते हैं तो यकीनन फसल में काफ़ी अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं खाद शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो हमको खाद का शेड्यूल किस प्रकार आवश्यकता अनुसार न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना है संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। बस वीडियो पर बने रहिए, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करते रहिए। तो हम बात कर रहे थे खाद का शेड्यूल। अब हमारे किसान भाई कुछ मंडप विधि से खेती कर रहे हैं, साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, ना कोई ड्रिप ही नहीं लगाए तो खाद कैसे देंगे, उनका भी तरीका बताएंगे, जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। और जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो घुलनशील खाद को आप दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो वे वेंचुरे के माध्यम से कौन कौन से न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना है जिससे बढ़वार अच्छी हो और प्रॉपर फल और फ्लावरिंग स्टेज फ्रूटिंग स्टेज सेट बढ़िया तरीके से हो, बढ़िया सा क्लोरोफिल की मात्रा बढ़े। तो हमको जब हमारी गिलकी की फसल 20 दिन से लेकर 40 दिन के आसपास की होती है तो आप 4-4 दिनों के अंतराल पर इन खादों को छोड़ सकते हैं, जैसे कि NPK 19-19-19 2 किलोग्राम, NPK 12-61-0 2 किलोग्राम, NPK 17-44-0 2 किलोग्राम और इसके साथ ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम। इनको आपको बदल बदल कर एक दिन में एक खाद, फिर 4 दिन का अंतर रखना है और प्रति एकड़ की दर से आपको खाद देना है। ये था फर्स्ट कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन। तो जो सेकंड कॉम्बिनेशन है 50 दिन से लेकर ये मान लीजिए 75 दिन के आसपास की जब हमारी क्रॉप होती है तो सेकंड जो कॉम्बिनेशन है 5-5-6-6 दिनों के अंतराल पर आप चलाइए। तो सेकंड जो कॉम्बिनेशन है NPK 0-52-34 3 किलोग्राम, NPK 13-40-13 3 किलोग्राम, इसके अलावा आप अमोनियम सल्फेट को भी चला सकते हैं 3 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम। तो इनको 5-5 दिनों के अंतराल पर आपको बदल बदल कर प्रति एकड़ की दर से आपको ड्रिप सिंचाई से छोड़ना है। गिलकी की फसल पर थर्ड कॉम्बिनेशन, गिलकी की फसल ये मान लीजिए जब 80 से 120 दिन के आसपास की होती है तो थर्ड कॉम्बिनेशन पर ड्रिप से आप इन खादों को 5-5-6-6 हम तो कहते हैं 6-6 दिनों के अंतराल पर आप इन खादों को छोड़िए। जैसे NPK 0-0-50 है आपको 4 किलोग्राम लेना है, NPK 13-0-45 4 किलोग्राम लेना है, इसके अलावा फेरस सल्फेट 4 किलोग्राम लेना है, इसके अलावा वाइट पोटास 4 किलोग्राम लेना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 500 ग्राम लेना है और साथ में बोरॉन से चमक बढ़ती है 500 ग्राम। इनको एक दिन में एक खाद को यदि आप 6-6 दिनों के अंतराल पर ड्रिप सिंचाई से छोड़ते हैं तो यकीनन काफ़ी हरी भरी फसल होगी, काफ़ी अच्छे से उत्पादन उपज देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई ड्रिप से खेती कर सकते हैं, इस प्रकार आपको ड्रिप से फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। अब बात करते हैं जो किसान भाई साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो वे किसान भाई किस प्रकार फर्टिगेशन शेड्यूल चला सकते हैं, जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। आइए सरल और आसान शब्दों में समझते हैं। फर्स्ट खाद 35-40 दिन के आसपास की गिलकी की फसल होती है तो यूरिया और उर्वरक खाद 40 किलोग्राम और किसी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर हमको लेना है 5 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करना है, जड़ों के पास दे करके आपको सिंचाई कर देना है। सेकंड खाद, गिलकी की फसल 65-70 दिन के आसपास की होती है तो यूरिया और उर्वरक खाद हमको लेना है 40 किलोग्राम और सागरिका दानेदार 5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन, गिलकी की फसल पर जो तीसरा कॉम्बिनेशन है ये मान लीजिए लगभग 110 दिन से लेकर 120 दिन के आसपास की जब क्रॉप होती है तो इन खादों को आप दे सकते हैं जड़ों के पास, जड़ों से 5 सेंटीमीटर दूर इन सभी खादों को मिलाकर। जैसे यूरिया और उर्वरक खाद हमको लेना है 30 किलोग्राम, इसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद 25 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास हमको लेना है 10 किलोग्राम और साथ ही हमको लेना है DAP 15 किलोग्राम, इन तीन चारों को मिक्स करना है, जड़ों के पास दे करके आपको सिंचाई कर देना है। शानदार रिजल्ट परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। बात करते हैं लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र, गिलकी की क्रॉप का टोटल जो लाइफ साइकिल है यदि आप हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करते हैं, मंडप विधि से यदि आप खेती करते हैं तो यकीनन जो आपकी क्रॉप से काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन लंबे समय तक आप निकाल पाएंगे। 5-6 महीने गिलकी की क्रॉप चल जाती है, लेकिन ये आप मान लीजिए कम से कम 4.5-5 महीने तक काफ़ी अच्छे
फलों का जो हार्वेस्टिंग है वो काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई 5 महीने तक, चला तो 6 महीने तो बीत सकते हैं, लेकिन 5 महीने, 4.5 महीने तक काफ़ी अच्छे फल गिलकी की क्रॉप से प्राप्त होते हैं। तो 5 से 6 महीने टोटल लाइफ साइकिल है। अब बात करते हैं लागत। तो भाई साहब जो लागत है, सभी एक्सपेंसेस को जोड़कर, चाहे खाद का हो, स्प्रे का हो, लेबर का खर्च हो, सभी एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं, सभी खर्चों को यदि हम जोड़ते हैं तो पर एकड़ जो कॉस्ट आती है ये मान लीजिए 20,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये के आसपास खर्च आता है, लागत आती, कॉस्ट लगती है। बाजार भाव यानी मार्केटिंग रेट, तो जो मार्केटिंग रेट है वो फ्लेक्सिबल रहता है, कभी काफ़ी अच्छा भी मिल जाता है, कभी थोड़ा सा डाउन भी रहता है, एक हम एवरेज भी मान लेते हैं। और जो हमने आपको टाइमिंग बताई है, यदि आप इस टाइमिंग पर करते हैं तो 40-50 रुपये किलोग्राम के आसपास का हमको रेट प्राप्त होता है, लेकिन एक एवरेज रेट ले लेते हैं तो 15 किलोग्राम से लेकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट हमको मिल जाता है। उत्पादन यानी प्रोडक्शन, यदि आप 1 एकड़ पर गिलकी की खेती, यदि आप वैज्ञानिक तरीके से, जो हमने तरीका बताया है, इस प्रकार यदि आप खेती करते हैं तो जो उत्पादन है 130-140 क्विंटल से लेकर 150 क्विंटल के आसपास तक का हमको रेट मिल जाता है। बात कर लेते हैं मुनाफा यानी बेनिफिट और साथ ही नेट प्रॉफिट। तो जो मुनाफा है वो डिपेंड करता है उत्पादन पर और बाज़ार भाव पर। यदि उत्पादन अच्छा हुआ, बाज़ार भाव अच्छा मिला, तो यकीनन बेनिफिट भी अच्छा होगा, आमदनी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो मुनाफा हम निकालते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो मुनाफा है, यदि हम 15 रुपये केजी का ही हमको रेट मिल जाता है, तो यदि 15 रुपये इंटू 100 करेंगे, 1500 रुपये क्विंटल का ही हम रेट ले लेते हैं, और कम से कम उत्पादन 130 क्विंटल ही हम मान लेते हैं, यदि हम 1500 में इंटू करते हैं 130 क्विंटल का, तो ये मान लीजिए 1,95,000 रुपये के आसपास हमारा मुनाफा होगा। अब मुनाफा में ऐसे लागत को घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट, मुनाफा, शुद्ध लाभ हमारा आ जाएगा। तो 1,95,000 रुपये में से जो हमारी लागत आई, कॉस्ट आई 25,000 रुपये, यदि हम घटा देंगे तो 1,70,000 रुपये के आसपास हम 1 एकड़ से मुनाफा कमाई कर सकते हैं, बेनिफिट को कमा सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप गिलकी की खेती करते हैं किसान भाइयों, तो यकीनन आपको काफ़ी अच्छी आमदनी होगी, काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिलेगा। वायरस ना आए, कुकड़ा ना आए, तो प्रॉपर रस चूसा कीटों के आपको स्प्रे लेना है। स्टार्टिंग में एकतारा है, थामथोगजोम है, इमीडाक्लोरपेड है, एसीटामीपेड है, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, फिस ऑयल का, आपको प्रॉपर सस्ते कीटनाशक का आपको स्प्रे करना है स्टार्टिंग के दिनों पर। यदि किसान भाइयों, इस प्रकार यदि आप गिलकी की खेती 2-4 एकड़ पर गिलकी की खेती करते हैं, तो यकीनन आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा, काफ़ी अच्छी उपज आप निकाल पाएंगे। बाज़ार भाव यदि और भी ज़्यादा मिलता है तो यकीनन आमदनी में 4 चांद लग जाएंगे। तो इस प्रकार यदि हमारे किसान भाई गिलकी की खेती करते हैं तो यकीनन काफ़ी अच्छा लाभ पहुंचेगा। और उम्मीद करते हैं इसी प्रकार आपको हम जानकारी जो A to Z टाइम टाइम पर लाते रहेंगे। कमेंट्स करके ज़रूर बतलाइएगा कि नेक्स्ट A to Z वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। तो इसी प्रकार की कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, shivkumar095। तो मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।